Hussain, Hussain. अरे भाई आप ना हट जाओ ना सामने से, चलो भाई हट जाओ। आना दिख रहा है हमारे लिए बड़ी अकीदत का है। इस महीने में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अगर बातिन की जंग में अपनी जान की कुर्बानी दी, यकीन वो हमारे लिए बड़ी हसन हमेशा आपकी फतेह होती है। बातिन को हमेशा मुहर्रम का महीना वही सब होता था, हमेशा हक के लिए हम लोग काम करना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर हमारे शिया भाइयों का जो मातम होता है उनके लिए अपना खून तक बात है। यकीनन अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और इमाम हुसैन की याद में करते उन्होंने किस तरह तकलीफ़ उठाई, किस तरह हक के जंग में तो एक एक मतलब नीचे का एक एक शिकार होते रहे, एक जख्म बर्दाश्त करते रहे, कि हमारे लिए एक सबक है, इससे हम अच्छा अमल करने की ज़रूरत है। और हमारा मुहर्रम के महीने में हमारे आने वाले सरकार ने 50 लाख रुपये का फंड जारी किया है, जहाँ जहाँ आशिफ खान ने उसकी मरम्मत की जाए। यकीनन ये आशिफ खान है हमारा आशिफ, खासतौर से हमारे अल्ताफ हैदर रजी भाई हमेशा तवज्जो दिलाते हैं, हमारे बात भी दिलाते हैं। और यकीनन हमारे सीएम साहब भी एक चेयरमैन हमारे स्कूल भी है, तो सबकी नुमाइंदगी भी हमारे पास है। और हम यही यहाँ इससे पहले कई बार हमारे सीएम साहब भी आए और आज भी हमारे स्कूल के लिए तेलंगाना की हमें मन्नत की थी, हमारा तेलंगाना आज मिल चुका है। और तेलंगाना एक ऐसी स्टेट है जिंदा जब यहाँ खास नहीं पड़ता, और एक खास बात है यहाँ जो अकीदत मन है वो सिर्फ मुसलमान नहीं, अकीदत बस हिंदू भाई में, ये हमारी स्टेट की तारीख कि आज हमारे हिंदू और मुसलमान मिलकर अकीदत से यहाँ पर हम धरती चढ़ाते हैं। हम काफ़ी इस महीने का एहतराम करते हैं। हमारे बादशाह निज़ाम सरकार भी खुद दी के अलम में आज उनको मातम किया करते थे, और खासतौर से जो लोग मातम करते हैं उनके साथ हमारा मैं यही बात करना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ताला सबर दे और आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। इंशाल्लाह ताला जो जितने भी जो भी आशिफ खान हैं उसके दाल बोझे और मरम्मत के लिए आइंदा भी इसी हुकूमत की तरफ जारी किया जाएगा। और मैं खुद भी अल्ताफ भाई से कहा और संतर मिश्र से मैं कह चुका हूँ कि हम अपने बादशाह आशिफ खान है, तारीख आशिफ खान है और भी कुछ आशिफ खान है उसकी हिफाजत ज़रूरत है, वहाँ से भी हम पढ़ लेंगे और हमारी स्टेट से भी जितना हो सके आशिफ खान कुछ मतलब इसका ये कहना है कि उनके पास अभी तक फंड नहीं पहुँचा है। अगर ऐसी कोई बात है अगली बात में तो ज़रूर अभी बात करूँगा जाकर भाई मुझे बात करते हैं जानना पड़ेगा पैसा ज़रूर पहचानी खर्च करूँगा। हो सकता मकबूल या कुछ प्रोसेस के अंदर थोड़ा लेट हुआ तो इन शाला तक खर्च हो सकता। आज 6 मुहर्रम को यहाँ पर बीबी के लाए में यहाँ से तारीखी बीबी के लाए में जुलूस 400 साल कदीम रवायत है, तो हर साल 10 मुहर्रम को यहाँ से निकलता है और लाखों लोग जुलूस में शरीक होते हैं। मुख्तलिफ मजाहब के लोग अक्सरतन यहाँ पर आते हैं अपनी मन्नतों मुरादों के लेकर। और जो तारीख रही है तारीख इस्लाम जहाँ पर इमाम हुसैन ने करबला में शहादत पेश की और दीन इस्लाम को बचाया, दीन इस्लाम का परचम को बुलंद किया, आज 1400 बरस गुजर गए इस याद में। हैदराबाद के अंदर जो मुहर्रम मनाया जाता है ये पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ की आज़ादारी, यहाँ का जो ट्रेडिशन है, यहाँ पर सब लोग तमाम मजाहब के लोग एक साथ होकर इस मुहर्रम में अपनी अपनी तौर पर अपनी अपनी अकीदतों के हिसाब से इस मुहर्रम में शामिल होते हैं। और बहुत बड़ा इंतज़ाम होता है,
برسہ برس سے ہماری جماعت مجلس شعب المسلمین یہاں کے انتظامات کے کام دیکھتی آ رہی ہے. جو حیدرآباد ایم پی مقبول ملت بارش رسول الدین صاحب مسلسل اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کہیں پر کوئی کام برابر ہو تو نہیں رہا ہے. ہر چیز جو ہے بہترین طریقے سے یہاں کا یہ انتظام ہوتا ہے, ہر سال کیا جاتا ہے اور اس سال بھی انتظام پورا مکمل کیا جا چکا ہے. سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کافی اچھے ہیں, اور جہاں جہاں پر بعض جگہوں سے جہاں پر بھی کوئی ایسی ایشوز ہے ہمارے کو معلوم پڑ رہا ہے. ہم لوگ خود یہاں پر کیمپنگ کرتے ہیں محرم کی طرح تمام دنوں میں, تو الحمدللہ سب چیز اچھے سے ہو رہی ہے. اور کچھ وقف بورڈ کی جانب سے پچھلے کچھ سال سے میں جب وقف بورڈ میں ممبر تھا کیش گرانٹ شروع کروائی گئی تھی, تو اب کے تھوڑا تاخیر ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وقف بورڈ اس کو جلد سے جلد جاری کرے تاکہ آشرم خانوں کے انتظامات میں کچھ مدد مل سکے.